तो इस तरीके से देख सकते हो कि मेरी मॉर्निंग कुछ इससे शुरू होती है। मैं नहाने के बाद अपने सबसे पहले बालों को सुखा रही हूँ और उसको अच्छे से टॉवल से मैं जो है ड्राई किए ले रही हूँ अपने बालों को, क्योंकि जो मैं यूज़ करने वाली हूँ आज अपने बालों पे प्रोडक्ट वो मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, और मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है अपने बालों के लिए। तो ये है गुड वाइब्स का हेयर मिस्ट जो मैंने फर्स्ट टाइम मैं ट्राई भी कर रही हूँ और अपने बालों पर उसका वर्क कैसा है मैं देखूँगी, क्योंकि मैंने रिव्यू देखा हुआ था उसके बाद मैंने मंगाया हुआ है इसे, और ये मुझे ऑफ़र पे ही मिला है तो ये मुझे फ्री ही मिल गया है। तो मैंने कहा चलो मैं इसे यूज़ करके देखती हूँ जैसा कि लोग बता रहे हैं और रिव्यू दिखा रहे हैं, तो क्या सारा रिव्यू ओरिजिनल मतलब सही है कि नहीं है, जो भी चीज़ें बताई है वो बिल्कुल सही चीज़ें बताई गई हैं या फिर फेक है या ओरिजिनल है क्या है। तो मैंने भी यूज़ किया है, अगर आप लोग भी जानना चाहते कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है इसको लेकर और ये किस तरीके से वर्क करता है तो मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और इसकी क्वालिटी के बारे में सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया और आप देख रहे हो मेरा चैनल गुड़िया जानवी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो मैंने अप्लाई कर लिया है गुड वाइब्स का हेयर मिस्ट, उसके बाद मैं करूंगी ब्रेकफास्ट और उसके बाद मैं अपने वीडियोस बनाने बैठ गई थी। तो मेरा ये देख सकते हो मेकअप का वीडियो जो मैंने सरस्वती पूजा के लिए बनाया था, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा देखिएगा जरूर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने पूरा वीडियो कंप्लीट कर लिया है अपना और अभी मैं सारी चीज़ें रिमूव किए ले रही हूँ अपनी, और बीच बीच में हम लोगों को उठना भी पड़ जाता है, कभी खाने के लिए कभी हस्बैंड आ गए तो कभी बच्चे आ गए तो उनको भी देना पड़ता है। तो मैंने भी साथ में खाना खा लिया था, उसके बाद आकर अपना वीडियो मैंने कंप्लीट किया था। मैंने ये सरस्वती पूजा लुक इस वीडियो कंप्लीट किया था और उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट किया था अपना साड़ी ट्यूटोरियल का, और उसके बाद मुझे दो और वीडियो कंप्लीट करने थे। मुझे एक वीडियो अभी और शूट करना है अपना, तो मैं ये सारी चीज़ें निकाली दे रही हूँ जितनी भी ज्वेलरी वगैरह है, और उसके बाद आउटफिट मेरा यही रहेगा और फिर मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मैंने पर्पल पे अपना माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है सेकंड वाला, तो मुझे पर्पल वालों ने क्या गिफ्ट जो है भेजा हुआ है और मैंने क्या ऑर्डर किया था जिसके साथ मुझे गिफ्ट आया है, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वेट करो। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं अपनी सारी ज्वेलरी निकाल के, और मैंने अपने जो है गोल्ड वाले रिंग पहन लिए थे कानों में, और मेरी झुमकी का पेज भी कहीं गिर गया है तो मैं उसे भी ढूंढने लग गई थी। बहुत हम लोगों को जो है प्रॉब्लम हो जाती है, एक वीडियो करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, चीज़ें निकालना फिर पहनना उनको सही करना सेट करना और बहुत कुछ हो जाता है। तो ये मेरा अनकट वीडियो होगा, इसमें मैं वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो मैं वीडियो बनाते समय फेस करती हूँ और मेरे साथ होती है, किस तरीके से मैं वीडियो बना पाती हूँ, किस तरीके से मैं अपनी वीडियो को बनाती हूँ आप लोगों के लिए, इसमें आप सारी चीज़ें देखेंगे और किस कैसे कैसे करके मुझे कंप्लीट करना रहता है हर चीज़। किया उसके बाद मैंने कहा चलो अपना ये सारे चीज़ निकाल के अपना दूसरा वीडियो भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार जो है रेडी होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और फिर मेकअप निकालो मेकअप करो तो बहुत ही ज़्यादा मुझे उलझन होने लगती है। बात करूँ तो इसके मापी है 300। अरे चुप रहो भैया, मेकअप अपना रिमूव करूँगी और मेरी बेटी चला रही है CID तो उसकी शायद आप लोग को थोड़ी सी वॉइस मिल रही होगी। तो देख लिया आप लोगों ने कि जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तो कैसे कैसे मेरे बच्चे बीच में आ जाते हैं, कहीं हस्बैंड आ जाते हैं बीच में, तो इस तरीके से फिर बीच बीच में बात भी होने लगती है और फिर वीडियो को मुझे रोकना पड़ता है। उसके बाद देख सकते कितना खूबसूरत लगता है, ये मुझे अपना बहुत ही फेवरेट लगता है, सबसे पहला कलेक्शन मेरा ये था जो मैंने मंगाया हुआ था मीशो से। हस्बैंड को देखो आ रहे हैं जा रहे हैं बीच बीच में, कुछ ऐसा ही चलता है। मैं वीडियो शूट करती हूँ, किसी को आना है किसी को निकलना है किसी को कुछ करना है, इस तरह से मैंने अपनी चीज़ें स्टोर कर, तो मैं अपनी चीज़ें सारी इस तरीके से ही स्टोर करके रखती हूँ, इससे मेरी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं और काफ़ी टाइम ये चलती हैं, तो इसे भी मुझे लिए हुए 1 ईयर्स हो गया है और अभी भी इसकी शाइनिंग वगैरह देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं गई, ये भी मैंने मीशो से ही।
फिर स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। तो बस ऐसे ही चलता है हमारा, और इसी तरीके से मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ कि रोकना फिर स्टार्ट करना फिर रोकना स्टार्ट करना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है वीडियोस बनाने में, और इसलिए रोज़ रोज़ नहीं कर मिलता है। तो एक दिन जब रेडी होते हैं तो वो सोचते हैं दो तीन वीडियो कम से कम अपने बना लें, उसके बाद फिर वो वन बाई वन आप लोग के पास आते रहते हैं, और आप लोग मेरी वीडियोस अपडेट होते रहते हैं, देखते रहते हैं आप लोग। तो मैंने सारी ज्वेलरी अपने उठा के रख दी थी, और सारा सामान भी मैंने अपना सही से कर दिया था। और अभी देख सकते हो आपने, मैंने एक अपना ये ब्लाउज स्टिच करवाया हुआ है, न्यू ब्लाउज कुछ इस तरीके के से डिजाइन में। ये लिए अपना मेकअप रिमूव करने जा रही हूँ, और अभी बज चुका है 7:30, और तब मैंने अपना सोचा कि अब मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, मेरा वीडियोस भी बन गए सारे, मैंने मुझे तीन वीडियोस बनाने थे, तीनों वीडियोस मेरे बन गए हैं। तो मैंने कहा चलो अपना मेकअप मैं रिमूव कर देती हूँ, और मेकअप भी आप देख सकते हो अभी भी मेरे फेस पे आपको मेकअप दिख रहा होगा। और ये मेरा बेटा है जो बार बार आ जा रहा। तो जब मैं कोई भी वीडियो शूट करती हूँ तो कुछ इसी तरीके से मेरे घर में चलता रहता है, और तो मुझे रुक रुक के वीडियो बनाना पड़ता है, तो बहुत टाइम लग जाता है एक वीडियो बनाने में, कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में ये आप लोग समझ ही सकते हो। उसके बाद हम लोग उसको शेयर करते हैं आप लोगों के लिए, तो अगर लाइक भी नहीं आप लोग करो। और लिपस्टिक अभी भी आप देख सकते हो मेरी जो है, आपको अभी भी दिख रही होगी कि मेरे लिप्स पे है, और अच्छा खासा पिगमेंट दे देती है लिपस्टिक, काफ़ी अच्छी है, आई है तो किस तरीके का वर्क करती है क्या है, तो काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग स्टे करती है, काफ़ी टाइम चल रही है और अभी भी चल रही है, और मैं काफ़ी टाइम से कुछ खा पी भी रही हूँ, बराबर जो है वर्क कर रही है। तो और वीडियो को वॉच नहीं करते हो फुल, तो थोड़ी सा जो है तकलीफ़ होती है। तो चलो ठीक है, मैं फिर भी अपना जो है मेकअप रिमूव कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्टे करके का जो है मेकअप रिमूवर, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ईजिली इससे सारा मेकअप निकल जाता है। और मेकअप रिमूव करने के लिए मैं हमेशा ही सॉफ्ट वाला काटन अपना यूज़ करती हूँ, देख सकते हो कितना गंदा सा हो गया है मेरा, देखो मैंने अभी कल ही अपना मेकअप रिमूव किया था। तो चलो बस 2 से 3 ड्रॉप ही इसकी मैं ले लेती हूँ, और इतनी काफ़ी होती है मेरे पूरे फेस पे। तो बस इसे लेके इस तरह से हम अपने जो है मेकअप को रिमूव कर लेंगे, उसके बाद अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में शेयर कर दिया करें। मेरे चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो को देख रहे हैं अगर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन को भी हिट करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आपको मिलती रहे, और मैं इस तरीके के और भी वीडियोज आप लोग के लिए अपलोड करती रहूँ। मेरे इंस्टाग्राम को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करते रहिए, वहाँ पर भी मैं अच्छे अच्छे अपडेट डाल देती हूँ, मेरी फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ पे रहती हैं, और मुझे कोई अपडेट देनी होती तो मैं दे देती हूँ आप लोगों को। तो देख सकते हो मेकअप मेरा कितना था, और वो सारा मेकअप मेरा निकल गया है। आइज़ को भी मैं अच्छे से अपने क्लीन किए ले रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आइज़ को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, मस्कारा वगैरह हम लोग लगाते हैं। अल्पेस गुडनेस का चारकोल वाला है, और इसे लेकर अच्छे से अपने फेस पे जो है आपको स्क्रब करना है, इसे 2 से 3 मिनट तक आपको करना है, ताकि जो भी आपने मेकअप किया हुआ है वो सारा मेकअप आपका अच्छे से रिमूव हो जाए, आपके पोर्स जो है क्लीन हो जाएं। तो हफ्ते में 2 बार तो आपको करना ही करना रहता है, इससे आपकी स्किन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, आपकी स्किन अच्छे से जो है सर्वाइव कर पाती है, बहुत ज़्यादा जो है बीत कर पाती है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और इतनी से ले रही हूँ मैं, बहुत ठंडी लग गई है मुझे, और उसमें मैं ये अपनी ले रही हूँ DIY, मैंने बना के रखी है DIY अपना, ये नाइट क्रीम भी है और सीरम भी है, दोनों का ही वर्क करती है, और इसमें भी नाइट क्रीम मैंने ऐड की हुई है थोड़ी सी, तो मैं दोनों को एक तरह से मिक्स किए ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे प्रोडक्ट अल्पेस गुडनेस के ही यूज़ किए हैं, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं गाइज, मैंने खुद अपने पैसों से इन्हें मंगाया हुआ है, और काफ़ी अच्छे। तो उसके बाद इस तरह से लेके मैं अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस पे, और हल्की सी मसाज कर लेती हूँ, ये आपके रिंकल्स वगैरह फाइन लाइंस को भी दूर करती है और काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। और मैंने, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने DIY वाली जो अपनी सीरम या नाइट क्रीम मैंने बनाई वो कैसे बनाई है, तो मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, काफ़ी अच्छा वर्क करती है स्किन पर आपकी। और फ्रेंड्स देख सकते हो इस तरह, तो अच्छे से आपको मसाज कर लेनी है अपने फेस पे, और उसके बाद आप देख सकते हो कि मैं अपने सारे प्रोडक्ट कहाँ पे रखती हूँ,
कुछ इस तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके रखती हूँ। और ये मैंने अपनी जो रैक बनाई है, ये मैंने अपने कार्डबोर्ड से रैक बनाई है। ये वुडन की रैक नहीं, पर देखने में बिल्कुल वुडन जैसी ही लगती है। तो इसे मैं इस तरह से अपने मेकअप प्रोडक्ट के लिए यूज़ करती हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।